एक बार फिर से अपनी नई पार्टी बनाने को तैयार है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि। बिहार में राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए हमेशा चर्चा में मशहूर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि फिर से एक बार अपनी नई पार्टी बनाने को तैयार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आज बैठक कर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष घोषणा की है कि आगामी 30 सितंबर को वह फिर से एक नई पार्टी बनाएंगे। उस पार्टी का नाम क्या होगा फिलहाल उसको लेकर कोई घोषणा उन्होंने नहीं की है। और उन्होंने कहा है बिहार में जो लालू और नीतीश राज से लोग परेशान है उससे मुक्ति दिलाने के लिए उनकी नई पार्टी आ रही है। वह नई पार्टी के साथ लोगों को जोड़ेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पहले बिहार के लगभग सभी दलों में शामिल हो चुके हैं और कई बार अपनी पार्टी बना चुके हैं। इस बार फिर से वो अपनी पार्टी बनाएंगे और बिहार में लालू और नीतीश सरकार के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार होंगे। वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना, जिस समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना है वह समाज आज भी बहुत ही पीछे है। और उसी क्रम में चूँकि कोयरी समाज बिहार में 10% वोट है लेकिन कोयरी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पार्टी का घोषणा के तौर पर हम लोग आम जनता में जाएंगे कि कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाया जाए और बनाया जाएगा और एक मुसलमान से डिप्टी सीएम, एक दलित से, एक अति पिछड़ा से, एक सवर्ण समाज से और एक यादव समाज से, ताकि सभी समाज के लोग एहसास करें कि हम लोग को प्रॉपर मानव सम्मान देने का काम कर रहे हैं। अब उसमें जो सुधार करना है, जो मूल समस्या है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का जो अथाह पावर है, जुडिशरी एक केस को लगातार 15 साल 20 साल में फैसला होता है, तो ये तमाम बिंदुओं पर हम लोग का पार्टी का बिल्कुल अलग सोच है जो हम लोग बताएंगे मुख्य रूप से है। और वही 30 सितंबर को पूरे बिहार का हमारा दौरा है, इसी क्रम में हम लोग आज कल ही गए आए थे और आज हम लोग का यहाँ डोभी है, सिरघाटी है, इमामगंज है, गुरुआ है, रफीगंज है और रात में औरंगाबाद में, ऐसे लगातार कार्यक्रम हम लोग का 29 तक चलते रहे। नागमणि जी, एक सवाल आपसे है कि आज तक आप राजनीतिक करियर में किसी भी पार्टी में एक जगह नहीं रहे। देखिए, उसका कारण बहुत स्पष्ट हम बताते हैं और आप लोग सहमत रहेंगे इस बात का कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी बिहार और देश में है सभी राजनीतिक पार्टियां प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन होता है, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, बाद में सब आया राम गया राम रहता है, उसी तरह से देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, झारखंड में, ये सभी प्राइवेट कंपनी के तौर पर है। आप बीजेपी का बात लीजिए, उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है और होम मिनिस्टर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। सब जगह गया और सबको हम लोगों ने मदद किया। कभी लालू को सीएम बनाने में मेरी भूमिका नहीं है, लेकिन 10 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में बरकरार रखने में मेरी भूमिका है। जब से लालू जी को छोड़े हमारे एक भी कोयरी का वोट उनको नहीं मिलता है, तरसते रहते हैं कि अब कैसे बिहार का मुख्यमंत्री मेरा बेटा बने। उसी तरह से नीतीश कुमार को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में पैदा किए हैं, अकेले एलजेपी का 29 MLA को तोड़ करके और हम लोग नीतीश को समर्थन किए और चुनाव के टाइम में पूरे बिहार में कोयरी समाज का वोट दिलवाए, लालू विरोधी जो अपर कास्ट के लोग थे उन लोगों ने वोट किया, उसका परिणाम है कि नीतीश कुमार सीएम बने। तो फिर कभी रामविलास पासवान के साथ गए, उनका 3 MLA था, मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था, ऑल इंडिया का बिहार का इंचार्ज था, 3 MLA से 29 MLA हमने बढ़ाए। जब डिफरेंसेज हुआ हमने कहा कि हम लोग लालू के खिलाफ आए हैं, इसलिए चाहे आप सीएम बनिए तो नीतीश कुमार को बनने दीजिए, लेकिन जब ये नहीं माने तो मैंने पार्टी को
तोड़ करके 29 में कई सम्मेलन तोड़ करके बाबू नीतीश कुमार को समर्थन दिए तब ये मुख्यमंत्री बने। मैं चाहता हूँ इस बात का कि हमारी पार्टी बिल्कुल नए सोच और नए मुद्दे के साथ आम जनता के बीच जाएगी और 2025 में हम लोग अपनी सरकार बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आम जनता ये दोनों से त्रस्त हो चुका है। बड़ा भाई छोटा भाई के फेर में बिहार की जनता काफ़ी निराश हो चुकी है। और जैसा सपोज करिए